हाय, मैं सेल्फ अमृत नभूषण। वेलकम टू द प्रोग्राम ESG IAS करंट अफेयर्स। ESG IAS करंट अफेयर्स। द फोटोग्राफ आई हैव टेकन फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। और भारतीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का ये फ़ोटो है, और हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद। मैं माता जी को सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अपने देश के राष्ट्रपति उनको भी सत नमन करता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन से मुलाकात की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टुडेज आर जीत के साथ टीम इंडिया का विश्व रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका को पारी और 137 रनों से हरा कर टीम इंडिया ने 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला रविवार को अपने नाम कर ली। इसके साथ ही भारतीय टीम ने घरेलू मैदान पर खेलते हुए लगातार 11वीं टेस्ट श्रृंखला जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। मंजू रानी को विश्व चैंपियनशिप में रजत। भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी को रूस में खेले जा रहे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में के फाइनल में रविवार को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें रजत पदक मिला। मंजू अपने पहले ही विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली 18 साल में पहली भारतीय बनी। इससे पहले 2001 में मैरी कॉम ने यह उपलब्धि हासिल की थी। मेरी तरफ से मैं रत्नभूषण मंजू रानी को कांग्रेचुलेशन, माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू हर। जिम कार्बेट के पांच बाग राजाजी पार्क का कुनबा बढ़ाएंगे। वन विभाग पश्चिमी वृत्त के 5 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में नया घर मिलने जा रहा है। दरअसल राजाजी पार्क के एक हिस्से में बाघों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसे में वहां शिफ्ट होने वाले बाघ वहां रह रही 2 बाघिन से मिलकर अपना कुनबा बढ़ाएंगे। 3 चरणों में होने वाली शिफ्टिंग के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से सहमति बन चुकी है। राजाजी नेशनल पार्क के करीब 30,000 हेक्टेयर में फैले पूर्वी भाग में 38 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी भाग का क्षेत्र इसका दुगुना है, लेकिन वहां सिर्फ 2 बाघिन पाए गए हैं। ऐसे में वन अधिकारियों ने इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत कार्बेट पार्क से सटे पश्चिमी वृत्त में से 5 बाघों को राजाजी पार्क में छोड़ा जाएगा। नैनीताल जू में कर सकेंगे राज्य पक्षी मोनाल के दीदार। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थानीय प्राणी उद्यान यानी नैनीताल जू में जल्द ही पर्यटक व स्थानीय लोग राज्य पक्षी मोनाल के दीदार कर सकेंगे। खोज का नोबल नुस्खा। जब एक करियर के रूप में विज्ञान की बात आती है तो उसे एक ऐसे दिलचस्प काम की तरह देखा जाता है जहां आम तमाम विफलताओं से गुजरते हुए कुछ नया, कुछ अजूबा या कुछ उपयोगी खोज लाते हैं। बचपन से ही थॉमस एडिसन के बारे में बताया जाता था, जिन्होंने सबसे पहले विद्युत से प्रकाश हासिल करने की तकनीक विकसित की, या फिर उन आइंस्टाइन के बारे में जो हर रोज़ ट्रेन में बैठकर जाते हुए एक क्लॉक टावर को देखते थे और उसे देखते देखते उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत तैयार कर दिया, या फिर उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने कई पदार्थों, कई गैसों और कई तकनीकों की खोज की। आमतौर पर माना जाता है यही है कि वैज्ञानिक जब प्रयोगशाला में जुटते हैं तो उनकी कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा यूरेका वाला क्षण आता है जब उनके हाथ एक नई खोज लगती है। लेकिन आज के वैज्ञानिकों के हाथ साथ भी क्या यही होता है? इसका जवाब पाने का एक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम उन वैज्ञानिकों से उनकी खोज के बारे में सुने जिन्हें इस साल का नोबल पुरस्कार मिला। मसलन हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिक मिशेल मेयर की बात करें तो हमें लगता है कि आसमान को निहारते हुए एक ऐसा क्षण आया होगा जब उन्हें एक ऐसा ग्रह मिल गया होगा। नोबल पुरस्कार पाने वाले इस वैज्ञानिक ने ऐसे किसी क्षण से ही इनकार नहीं किया। उनका कहना है कि उन्हें कुछ आंकड़े मिले जिसका उन्होंने जब कई महीनों तक आकलन किया तो कुछ संकेत मिले, जब तक ये स्थिति ओझल हो चुकी थी और अगले साल का इंतजार करना पड़ा। अगले साल भी वही नतीजा मिले तो लगा कि एक्सो प्लेनेट उनके हाथ आ गया है। कुछ ऐसी ही बातें पिछले साल चिकित्सा का नोबल जीतने वाले वैज्ञानिक जिम एलिसन ने कही। कैंसर को मात देने में इम्यून सिस्टम की भूमिका खोजने वाले इस वैज्ञानिक का कहना है कि यह ऐसे लोगों से संभव हो पाता है जिनमें जिज्ञासा भी हो और लगन भी हो। वे पहले जानकारियां हासिल करते हैं,
फिर उनसे मिले आंकड़ों से जूझते हैं और सच को समझने की कोशिश करते हैं। इस साल चिकित्सा का नोबल जीतने वाले ग्रेग एल सेमेंजा इस बात के पूरी तरह से कहते हैं। उनका कहना है कि किसी खोज तक पहुंचना उपलब्ध आंकड़ों से पहली हल करने की जैसा होता है। लिथियम बैटरी की खोज के लिए इस साल रसायन विज्ञान का नोबल जीतने वाले वैज्ञानिक एम स्टेनले विटंगटन का कहना है कि यह काम तेल का कुआं खोदने की तरह है। अंत में 10% कुओं से ही तेल मिल पाता है। दरअसल जब हम एक वैज्ञानिक के बारे में सोचते हैं तो हमारे ध्यान में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो लगातार प्रयोगशाला में सिर खपाता है और फिर आखिर में कुछ हासिल करके निकलता है। यह सोच दरअसल उस युग की कहानियों से बनी है जब विज्ञान अपने प्रारंभिक दौर में था। गैस ढांचे पर 60 अरब डॉलर का निवेश। भारत ऊर्जा संसाधनों के उपयोग में भारतीय प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैस आपूर्ति और वितरण बुनियादी ढांचे को विकसित करने में 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर रहा है। देश में ऊर्जा उपभोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 2030 तक दोगुनी करके 15% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को यह बात कही। प्रधान ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान में देश में सभी ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.2% है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस धीरे धीरे भारत में कम कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर ईंधन के रूप में अपनी जगह बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गैस बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है। इसमें देश के उत्तरी भाग को दक्षिण और पश्चिम को भाग में जोड़ा जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्री ने इंटरनेशनल थिंक टैंक की तीसरी बैठक में यह कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम गैस पाइपलाइन और टर्मिनल बुनियादी ढांचे पर अनुमानित 60 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। यह काम पूरा होने के करीब या फिर उन्नत स्तर पर है। उन्होंने कहा कि शहरी गैस वितरण नेटवर्क की पहुँच जल्दी ही भारत की 70% आबादी तक होगी। हम लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पाक काली सूची में गया तो दुनिया से कर्ज नहीं ले पाएगा। गलत कामों का गलत नतीजा तो बेटा मिलेगा जरूर। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सोमवार को पेरिस की बैठक में पाक के भविष्य पर फैसला लेगी। अगर पाक आतंकी फंडिंग के लिए कार्रवाई को लेकर कार्यबल को संतुष्टि नहीं कर पाया तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। इसके बाद पाक विश्व समुदाय से कर्ज नहीं ले पाएगा। जून 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में है। पाकिस्तान के लिए परेशानियां बढ़ेंगी क्योंकि वह विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं ले पाएगा। फिलहाल पाक ने IMF से 6 अरब डॉलर का ऋण लिया है। यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज का कहना है कि FATF ने अगस्त में पाक को लेकर जो तीखी टिप्पणियां की उसके बाद बहुत कम संभावना है कि उसे कोई राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अब क्यों न हो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, जो व्यक्ति देश के लिए, लोगों के लिए, सम्मान के लिए इतनी मेहनत, शायद हम उसका 2% भी नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व के शीर्ष नेता बन गए। इंस्टाग्राम पर मोदी ने 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो गए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा एक ट्वीट में कहा कि इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी को 30 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ वह इंस्टाग्राम में पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी ज़्यादा लोकप्रिय नेता बन गए। यह उनकी लोकप्रियता के लिए एक और पैमाना है, युवाओं के साथ जुड़ता है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के 5.07 करोड़ से अधिक फॉलोवर हैं जबकि फेसबुक पर यह संख्या 4.44 करोड़ है। मामल्लापुरम समुद्र तट पर सूर्य की किरणों ने समुद्र नरेंद्र मोदी को अपने विचारों को कविता के माला में पिरोने के प्रेरित किया। मोदी ने रविवार को ट्विटर पर एक कविता साझा किया। ये संवाद मेरा भाव विश्व है। इस संवाद को भाव को शब्दबद्ध करके आपस में साझा कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा, सागर तुम्हें मेरा प्रणाम, तू धीर है गंभीर है, जग को जीवन जीता है, नीला है नीर तेरा, यह था विस्तार ये विशालता, तेरा ये रूप निराला, हे सागर तुम्हें प्रणाम।
श्रीमान हमारे देश के नरेंद्र मोदी। चीन नेपाल को 35 अरब की सहायता देगा। अगले साल 2 साल में नेपाल को विकास कार्यक्रमों और जमीनी संपर्क से जुड़ा देश पाने के लिए 35 अरब रुपए की सहायता देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को इसकी घोषणा की। उसके साथ ही चीन और नेपाल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 20 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। केरुंग से काठमांडू तक पहुँच आसान बनाने के लिए चीन सुरंग और सड़क बनाने में मदद करेगा। चीन ने नेपाल को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी वह पिछले 23 साल में नेपाल का दौरा करने वाले चीन के पहले राष्ट्र प्रमुख हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विदिवसीय अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद यहां पहुंचे। उन्होंने विद्या देवी के साथ नेपाल के राष्ट्रपति निवास शीतल निवास में मुलाकात की। विद्या देवी ने एक चीन नीति को नेपाल का समर्थन दोहराया और कहा कि नेपाल किसी भी शक्ति को चीन के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। रेल सड़क मार्ग का विकास। काठमांडू को तातोपानी ट्रांजिट पॉइंट से जोड़ने वाले अनेरको राजमार्ग को दुरुस्त करेगा। ट्रांस हिमालयन रेलवे की वहनीयता को लेकर अध्ययन शुरू होगा। चीन केरुंग काठमांडू टनल रोड के निर्माण में मदद करेगा। शिक्षा क्षेत्र में मदद मुहैया कराएगा व शहरी विकास की मदद करेगा। नेक्स्ट इज Education of mothers directly linked to better nutrition for children. Pan India study for 1.2 lakh children by Health and Family Welfare Ministry shows children received better ties, diets with higher levels of schooling among mothers. The first Pan India survey of nutrition level among the children conducted by the Health and Family Welfare Ministry shows a direct correlation between mothers and education and the well-being of the children. The Comprehensive National Nutrition Survey studied 1.2 lakh children between 2016-18 and measured food consumptions, anthropometric data, micronutrient levels, anemia, iron deficiency, and markers of the non-communicable diseases. These were charted against populations characterized such as religion, caste, place of residence, and the mother's levels of the schooling. The data recorded so 31% of the mothers of the children aged up to 4 years, 42% of those having children aged 5 to 9, and 53% of those with adolescent aged 10 to 19 never attended school. Only 20% of the mothers of the preschoolers. 12% of these school children and 7% of those adolescents had completed 12 or more years of the schooling. And the last important fact is a tax policy that could work. The Indian government should now be desperate to raise more tax revenues. It missed its tax target massively in the last fiscal year, largely because of the poor goods and service tax collection. Its declared budgetary target for the current year required tax receipts to increase by around 25% when the first quarter increase was only 6% over the previous year. In the misplaced belief that what is required to address the current slowdown is more tax relief to corporates, it has offered tax rate reductions to 25% of the profits to companies that do not avail of other concessions and further rebates to new consumptions. So very significant tax shortfalls are likely even in the current year unless the government takes proactive measures. A tax policy that could work. Thank you so much to watch my program. Please share, subscribe and like.